किया गया है और कहां को आप पूछ कर रहे हैं? जैसा कि आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, उसी क्रम में आज हम अपने साथियों के साथ दुबग्गा पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, उनको समस्या बताने के लिए, उनको अपनी बात कहने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। मैं जब घर से निकला, सड़क पर आया, तो पुलिस के द्वारा हमको और हमारे साथियों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया है और हम लोग कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। जैसा कि 24 तारीख से दिल्ली की सड़कों पर किसान खुले आसमान के नीचे कोहरे की ठिठुरती हुई रातों में पड़ा हुआ है, 5 दौर की वार्ता होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों की समस्या का कोई भी न समुचित जवाब दिया जा रहा है, न समस्या का समाधान किया जा रहा है। कोरोना काल में जब पूरे देश की गतिविधि बंद थी, जब मंदिर के दरवाजे बंद थे, मस्जिद के दरवाजे बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, संसद बंद थी, विधानसभा बंद थी, तो उस समय देश के किसानों ने पुलिस की लाठियां खाने के बाद भी, पुलिस की गालियां खाने के बाद भी हर घर को सब्जी दूध पहुंचाने का काम किया। जब देश की जीडीपी नीचे जा रही थी, तब उस जीडीपी को देश के किसानों ने संभालने का, उसको स्थिर रखने का काम किया। और उसी समय जिनको देश के किसानों ने पूर्ण बहुमत से 1-1 करोड़ देके, गरीब किसान मजदूर नौजवान माताओं और बहनों ने मोदी जी के आह्वान पर वोट देके केंद्र की संसद में भेज के और सबसे बड़ी कुर्सी पे उनको जब बिठा दिया, तो कोरोना काल में उन्होंने किसानों को गला काटने वाले 3 किसान विरोधी कानून को पारित कर दिया। ये कानून अनिल अंबानी के, अडानी के दबाव में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। अगर ये किसान विरोधी कानून देश में लागू हो जाते हैं, तो देश का छोटा किसान 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे वाला जो किसान है, ये किसान नहीं रह जाएगा, ये मजदूर बन जाएगा। इसके बच्चे भूखे मरने लगेंगे, इनके बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाएगी, बहन बेटियों की शादियां बाधित हो जाएगी। इसलिए इन बिलों का विरोध किसान कर रहा है। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस घमंड में है। आगे की रणनीति आपकी क्या है गिरफ्तारी के बाद? जिस समय हम यहाँ से रिहा किए जाएंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से पुनः प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे और ये प्रदर्शन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तीनों किसान विरोधी अध्यादेश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं। ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। लेकर के आपको क्या रणनीति अपना रहे हैं? भारत बंद को लेकर के हमारी पुलिस व्यवस्था का जो है समुचित बंदोबस्त किया गया है। जो हमारे कस्बे हैं गहदों और ये सिसवारा, गहदों और ये नदी पन्ना और ये माल गौरैया, इन छोटे छोटे कस्बों पुलिस की जो है ड्यूटी लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा कि निर्देश है कि किसी भी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन धारा 144 जो कि प्रशासन द्वारा लगाई गई है, उसमें जो है 5 लोग इकट्ठा मतलब नहीं रह सकते हैं। उसमें जो है आज किसान यूनियन के नेता माननीय श्री राकेश सिंह जी अपने साथियों के साथ आकर के जो है जब पूछ करने वाले थे वहां के लिए, तो इन्होंने रोड मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शांति एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, जैसा कि एम्बुलेंस और बहुत सारे मरीज उनका जीवन कोई खतरे में न पड़े, इन्हें शांतिपूर्वक ढंग से जो है यहाँ पर लाया गया थाना माल पर। थाना माल क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कहीं भी शांति और कानून व्यवस्था की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो जिससे जनजीवन प्रभावित हो। यहाँ पे कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधार